स्टूडेंट्स, अब हम एस्टीमेट को समझते हैं। एस्टीमेट्स मीन्स स्टूडेंट गेस, कि आपने गेस करना, ठीक है। आपने जैसे आप कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हो कि आप गेस करते हो कि हम भी कितने बच्चे आ सकते हैं बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए। जैसे कि आप कुछ गेस करोगे कि आपके स्कूल से कितने बच्चे आ सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या, आप एस्टीमेट कर रहे हो, एक रफ आइडिया सा ले रहे हो कि कितने बच्चे आ सकते हैं, आपके जो घर के फ्रेंड्स हैं वो कितने आ सकते हैं, ये एक आप एस्टीमेट कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह अब आपको राउंडेड ऑफ तो करना आ गया, अब हम एस्टीमेट करते हैं कि हम एस्टीमेट वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे है हमारे 5 to 13, एस्टीमेट ई सम्स टू द नियरेस्ट 10। हमने 5 से लेके जो 13 तक जो क्वेश्चंस हैं उनको एस्टिमेट, उनको सम करना है, उनको ऐड करना है नियरेस्ट 10 लेकर, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 5, 57 + 34। अब स्टूडेंट्स 57 में टेंस को हमने चेंज करना है, तो यहाँ पर वंस में क्या है 7 है, ये ग्रेटर देन क्या है 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, इसको क्या कर देंगे यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वर्डिंग लिखेंगे उसका अपने ध्यान रखना है, 57 एस्टिमेटेड टू द, अब नियरेस्ट 10 करना है, नियरेस्ट 10 तो कितना आ गया यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 1 ऐड हो गया 60 आ गया। उसके बाद हमारे पास है 34, अब यहाँ पर क्या है वन स्पेस में 4 है, तो ये 5 से स्मॉलर नंबर है, तो हम क्या करें इसका कितना हो गया, इसमें ऐड नहीं करेंगे, जो 3 है वो एज इट इज़ रहेगा। तो 34 का एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10 कितना आ गया 30, नियरेस्ट 10 इक्वल टू 30। अब हम क्या कर देंगे, हैंस द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन या सम, जो मर्जी लिखते हो एस्टिमेशन, अब हम क्या कर देंगे 60 + 30 हमारे पास कितना आ गया 90, तो ये हमारे पास एस्टिमेशन आ गया। नाउ पार्ट सॉरी क्वेश्चन सिक्स 43 + 78। अब स्टूडेंट जो 43 है इसका एस्टिमेट क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर जो वंस प्लेस में 3 है ये स्मॉलर देन 5 है, तो जो 4 है वो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 43 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10 कितना है 40, और 78 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10। अब स्टूडेंट यहाँ वन स्पेस में क्या है 8 है, तो यहाँ पर ये बिगर देन 5 है, तो हम क्या करेंगे 7 में 1 ऐड कर दें, तो हमारे पास कितना आ गया 80। तो सो द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन कितना आ गया, अब इनको ऐड कर देंगे हम 40 + 80 = 120। नाउ क्वेश्चन 7, 14 + 69। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 है ये लेस देन 5 है, तो ये एज इट इज ही रहेगा, 14 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10 इक्वल टू 10, और 69, 9 इज बिगर देन 5, तो क्या आएगा ये यहाँ पर 6 में 1 ऐड हुए 70 बन जाएगा, 69 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10 यहाँ पर क्या जाएगा 70। सो द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन कितना आ गया हमारे पास 10 + 70 = 80 आ गया। नाउ क्वेश्चन एट है हमारे पास 86 + 19। अब स्टूडेंट्स 86 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10 कितना आएगा 90 आ जाएगा, क्योंकि 6 है ये जो है 5 से बड़ा है, 86 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10 कितना आ जाएगा ये 90,
और 19 ये भी 5 से बड़ा है तो इसका कितना आ जाएगा 20। नियरेस्ट 10 कितना आ गया 20। सो द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन क्या होगी 90 + 20 = 110। मेशन 90 + 20 = 110। नाउ क्वेश्चन 9 हमारे पास है 95 + 58। अब स्टूडेंट 95 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट। अब स्टूडेंट ये 5 के इक्वल है तब भी हम 9 में 1 ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा 100। 95 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10 कितना आ गया 100। और 58 ये कितना, ये भी 5 से बड़ा है 8 वंस प्लेस में तो 5 का क्या बन गया 6। एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10 कितना आ गया 60। सो द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन हंड्रेड + 60 = 160। नाउ क्वेश्चन 10 77 + 63। अब 7 ये 5 से बड़ा तो ये 80 आ गया और ये 3 से 3 जो है 5 से छोटा है तो ये 6 एज इट इज रहेगा तो 60। तो 77 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10 कितना आ गया 80। और 63 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10 तो ये रह गया 60। सो द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन कितना आ गया हमारे पास 80 + 60। 8 + 6 कितना होता है 14 = 140। अब क्वेश्चन 11 है स्टूडेंट 356 + 275। अब स्टूडेंट 356 हमने टेंस को करना है, बस इस चीज़ को ध्यान रखना है किसको करना है। तो उससे पहले वाली पेस यहाँ पर क्या है 6 है तो ये 5 से बड़ा है तो यहाँ पर क्या बन गया 360। और यहाँ पर भी वंस प्लेस में 5 है तो ये भी चेंज हो जाएगा, 1 ऐड कर देंगे 7 तो ये 280 बन गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 356 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10 कितना आ गया हमारे पास 360, क्योंकि यहाँ पर वन स्पेस में 6 है। और 275 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10 तो इसका भी कितना आ गया 280, क्योंकि ये इक्वल टू 5 है। सो द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन कितनी हो गया, रिक्वायर्ड एस्टिमेशन 360 + 280। अब 0 एज इट इज़ और 8 + 6 14, 4 1 कैरी तो 3 + 3 6 तो इसका कितना आ गया 640 एस्टिमेशन। क्वेश्चन 12 463 + 182। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 है, ये दोनों साइड स्मॉलर देन 5 है तो जो एज इट इज़ नंबर है वही रहेंगे। यहाँ पर 460 आएगा एस्टिमेशन, यहाँ पर 180 आएगा। तो 463 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10 इक्वल टू 460 और 182 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10 कितना 180। अब हम इनको ऐड करते हैं सो द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन इक्वल टू 460 + 180। 08 + 6 14, 4 1 कैरी 4 5 6 इसका भी 640 आया है। क्वेश्चन 13 538 + 276।
स्टूडेंट्स यहाँ पर वंस प्लेस में 8 है, यहाँ पर 6 है, तो इनमें हम 3 में 1 ऐड कर देंगे और 7 में 1 ऐड कर देंगे, तो इसका कितना हो गया 38 का 540 हो गया। एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10 कितना हो गया 540, और 276 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10 में इक्वल टू यहाँ पर कॉमा ही डाल रही हूँ, तो 276 ये भी 280 हो गया। सो द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन कितना आ गया 540 प्लस 280 कितना आ गया 08 प्लस 4 12 21 कैरी 678 820।